रेप के आरोपी नारायण साईं को गुजरात पुलिस लुधियाना लेकर पहुंची, जहां उसे जसपाल बांगड़ गांव में बने आश्रम में ले जाया गया। नारायण साईं अपनी गिरफ्तारी से पहले कई दिनों तक इसी आश्रम में छिपा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो यहां कितने दिनों तक छिपा रहा और इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में था। पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान नारायण साईं बेहद शांत था, हालांकि इस बीच में उसके समर्थक नारेबाजी कर रहे थे।